अब यार कमेंट्स में दो चीजें थी, एक तो ये कि लोगों ने कहा कि भाई डेली व्लॉग चाहिए और इसीलिए हम डेली व्लॉग बना रहे हैं। ये तो एकदम विलन लग रहा है, कौन है ये? कल ही आया है सर ये फतेहपुर से कि एक आंख में काफी ज्यादा डैमेज है, काफी इंजरी है और डायग्नोसिस के बाद तो सर ट्यूमर ही बता रहे हैं। आंख में ट्यूमर है? आईलिड का एक्चुअल में ट्यूमर लग रहा है, तो आईलिड रिमूव करनी पड़ेगी। आई होप ये आईलिड रिमूव ना करनी पड़े बिकॉज इसकी आईबॉल इंटैक्ट है। वैसे ये चलने फिरने में ठीक है, बस एक आंख नहीं रहेगी इसकी, इसीलिए किसी ने छोड़ दिया। जब शुरू हुआ होगा उन्होंने ट्रीटमेंट कराई होगी तो वो बेसिक वुंड की तरह ट्रीटमेंट की होगी, उसके बाद वहाँ पे समझ नहीं आया होगा है इसको ट्यूमर, और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और फिर बर्स्ट हो गया, छोड़ दिया होगा। इसलिए जब इसको आपने नेक से बांध रखा है, अगर उछलता है ये अपनी गर्दन नहीं तोड़ेगा, मतलब इसको हॉल्टर पे होना चाहिए ना जैसे बाकी घोड़े हमारे। हॉल्टर हमने इसको पहनाया था जब हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन इसने ओपन कर लिया था, दो तीन बार ओपन कर लिया, आते ही सबसे पहले हमने पहनाया था। नहीं सर ओपन वो हो गया शायद खींचतान से ना, तो नहीं आदत नहीं है इसको। और ये कौन है एकदम भयानक भैंसा? ये जो हमारा फिफ्थ रेस्क्यू रह गया था नगरोटा से, इसको हम लेकर आए हैं। इसका आपने अगर हमारा लास्ट अपडेट देखा तो हमने बताया था ना जी कि पांच हैं, चार आए हैं। तो इसके पैर में अभी तो फिर भी थोड़ी बेटर कंडीशन लग रही है, जब ये आया था तब तो और ज्यादा स्वेलिंग थी। पैर सूजा हुआ है, शू पहन रखा है इसने। सर सूजा हुआ है पैर। हमने डिसाइड किया था कि हम रेस्क्यू नहीं लेंगे, लेकिन ये केस बहुत पहले का आया हुआ था, ट्रीटमेंट चल भी रही थी ना। क्यों डिसाइड किया था रेस्क्यू नहीं लेंगे? क्योंकि जगह नहीं है सर, और अभी फिर फुल हो गया ना, मतलब ये तो वैसे भी दो की जगह ले रहा होगा। वही बात है, लेकिन ये तकलीफ में बहुत ज्यादा था। इसकी ट्रीटमेंट वहाँ पर जो लोकल हमसे कनेक्टेड थे वो करवा भी रहे थे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, इसकी हालत और खराब होती जा रही थी और जो पेन है वो एकदम ज्यादा था, इस वजह से हमने फिर ले लिया इसका। तो देखो नॉर्मल फुट देखो किस साइज का है पीछे वाला वो, और ये जो आगे जो सूज रखा है तो इसको भी ट्यूमर हो सकता है। बीच वाले हिस्से में काफी ज्यादा वो निकला हुआ है मसल है ना, काफी ज्यादा हार्ड कुछ स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये ट्यूमर हो। तो ये भी हो सकता है कि इसके पैर में कुछ घुस गया हो, उसके ऊपर कैलस फॉर्मेशन है, इसके पैर के बीच में छेद है, तो उससे हमने देखा अंदर तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो आप बायोप्सी लेते हैं उससे पता लगता है कंफर्म होता है ट्यूमर है? मेनली बायोप्सी सैंपल से, माइक्रोस्कोप यूज करके। इसको तो उठाने में इतनी दिक्कत हुई है सुधांशु, इसको अंदर करना दो, कभी कभी अड़बड़ी होती है तो हम लोग राजा को लेके जाते हैं उस तरह। इसको देख के आता है? सॉरी सॉरी, वेट करते हो इसको। सुना आपने कि कई बार ये रॉबिन को अंदर नहीं कर पाते, राजा को लेके जाते हैं ताकि वो इसके पीछे आए। इसका खून कितना जलता होगा बेचारे का। अरे उसे मार उसे, मैं तो तेरे फेवर की बात कर रहा हूँ। वेट तुम बता रही थी कि इसको चढ़ाने में ज्यादा दिक्कत हुई। हाँ सर, एक तो वजन इतना ज्यादा है, वहां पे बहुत लोग थे क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी, लेकिन ये उठ नहीं रहा था। अब इसको स्ट्रेचर में भी ले लिया लेकिन उठाने में फिर भी तकलीफ आ रही थी सर, उठा के धीरे 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 चल चल के ये फिर ऊपर चढ़ा, और धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी क्योंकि हाँ बैल उठ रहा था बैठ रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था ना, तो इसको कहीं इंजरी ना हो जाए रास्ते में ही, इस वजह से भी लोग धीरे धीरे आए। आई कांट गेट ओवर कि इसका पैर कितना सूजा हुआ है और आप कह रहे हो इससे ज्यादा सूजा हुआ है। हाँ सर, अराउंड एक महीना हो गया होगा रेस्क्यू के लिए कह रहे थे, लेकिन जगह नहीं बन पाई थी, एरिया बहुत दूर का है, हमारे रेस्क्यू रेडियस में ही काफी केसेस हैं। कल एक कमेंट था, उन्होंने कहा कि मैंने कॉल किया था मुझे हेल्प नहीं मिली, पर मैं समझता हूँ ये ऐसा लग रहा है कि राजा ने बेटी जी को धराशाही कर दिया और अभी बन के घूम रहा है कि मैं हूँ चैंपियन, अभी खड़ी होगी बेटी जी राजा नजर नहीं आएगा आसपास। तुम कह रही थी वीकेंड का अच्छा वो है ना, मिल सकते हैं? हाँ सर, वीकेंड की रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। हेलो गुड गर्ल, आ जाइए। राजा तेरे को नहीं इनविटेशन, मैं आपको इन लोगों से ही मिलवाता हूँ। सुबह मेरी आज इन्हीं से ही शुरुआत हुई है, मैं डॉग वॉक से आ रहा था तो ये आए हुए थे, ये राजस्थान से हैं, ये आई गए, इनको अपना आप ही बता दो डायरेक्ट आप क्या करते हो वहाँ पे। एक्चुअली हम भरतपुर में राजस्थान में अपना एक एनजीओ है जिसको हम सर की वजह से ही सर को फॉलो करके हमने चालू किया था। हमारे पास लगभग 22 से 23 डॉग्स हैं और 15-16 के आसपास काउ हैं। एक सेकंड मैं बता दूं, अब ये मुझे सर सर कह रहे हैं, मैं नहीं कहता मुझे सर कहो, मुझे रॉबिन सर भैया भैया जी कुछ भी चलेगा, मेरा कोई कल्चर नहीं है ये सर वाला, हर बारी मुझे बोलते हैं लोग। जब हमने ये चलाया था तो हम स्ट्रीट पे वर्क करते थे तो सब कहते थे इसका कुछ नाम रखो, तब मैंने आपके एक वीडियो देखी, आप उसमें बोल रहे ट्रीट ऑन स्ट्रीट, तो मैंने वो नाम ट्रीट ऑन स्ट्रीट रख दिया। फिर वो बढ़ते बढ़ते वहां लोगों में इतना फैल गया कि अब लोग हमको ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम जानते हैं और एनजीओ भी इसी नाम से बन गया ट्रीट ऑन स्ट्रीट। तो अब इनका ये है कि ये दो तीन दिन यहाँ वॉलंटियर करेंगे, जो इनके सवाल होंगे उसकी लिस्ट बनाएंगे, इन्होंने डायरी हाथ में रखी है और फिर हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपने अपने नाम नहीं बताए। मेरा नाम हर्ष है। मेरा नाम विशाल है।
उनसे मिले वीकेंड से, राजा तू नहीं, ये रहा, ओ, ये रही, ये सॉरी, नहीं आ रहा पहचान में, है ना। काफी अच्छी रिकवरी चल रही है, अभी फ्रेंडली हो गया, पहले बहुत अग्रेसिव था ना, डरती थी बहुत ज्यादा, अभी काफी फ्रेंडली हो गई है सबसे, और हेयर ग्रोथ भी अच्छी चल रही है इसके। और ये अडॉप्टेबल्स में फिर जाएगी? सर मैं बात करूंगी एक बार फिर से, अगर उसकी मदर वहां पर हमें मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास अडॉप्टेबल्स में जगह नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, वी विल कीप दीस कमिंग, बाय। ओके, बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आई लाइक दिस गर्ल, शी इज वेरी फिट, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस। मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसे तमीज से दिया, ये नहीं कि आई लव ज्योति, मैं मैरी मी, ऐसा नहीं था।